ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो स्वागत है तुम्हारा एक और नए और मजेदार मीम रिव्यू के वीडियो में। यस, और आज के मीम रिव्यू में हम कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल चीज करने वाले हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक नो लाफ चैलेंज। यस एंड थैंक यू जो तुमने पिछले मीम रिव्यू पे इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए रियली 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 थैंक यू। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं हम आज के मीम्स में। गाइस, तो आजकल एक ये मीम पेज है पुनीत सुपरमेसी करके, जो बहुत ज्यादा कहते ना उड़ रहा है हवा में, तो चलो इसे चेकआउट करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या खास है इसमें। ठीक है, पीपल मेकिंग टिकटॉक्स इन पब्लिक, मी हु कांट टेक अ सेल्फी व्हेन समवन इज लुकिंग। ओह दैट इज सो ट्रू, मैं टोटली रिलेट कर सकता हूँ इससे। भाई साहब, मैं इस मीम से टोटली रिलेट कर सकता हूँ। इतना शर्मीला लौंडा हूँ ना मैं, इतना शर्मीला लौंडा हूँ। लाइक मैं लिटरली, मेरे घर पे गेस्ट आते हैं ना, मैं जो बिस्किट सामने रखते, चाहे मेरा कितना भी मन करे मैं नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को शर्म ही इतनी आती है। एवरेज डे इन विकी कौशल्स लाइफ। अंधे को 100 रुपए की नोट की बोलकर कागज थमा दिया, फ्री की ब्लेसिंग्स रिसीव्ड। यस, रिस्पेक्ट मिशन पास्ट, रिस्पेक्ट प्लस प्लस गाइस लॉर्ड। मैं ये ऐसा बोलो जुबा केसरी क्यों करने लग जाता हूँ मैं। ये दिस इज विक्ट्री साइन गाइस, दिस इज नॉट बोलो जुबा केसरी। या शी, पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद आ गई, मैं तो सिंपल रहती हूँ, बाकी लड़कियों की तरह स्टाइलिश कपड़े भी नहीं पहनती। अब इसे कैसे समझाऊं, मुझे इसकी यही सिंपलिसिटी अच्छी लगती है। उफ उफ उफ, ये डैंकनेस की जगह बीच में रोमांस कहाँ से आ गया गाइस? रोमांस कहाँ से आ गया? हम पे तो हो ही ना। जिंदगी भर पुण्य के काम किए थे, लेकिन डैंक मीमीस पर हंसते हुए यमराज ने देख लिया। That is why guys, मैं कोई भी डैंक मीम्स अपने चैनल पे नहीं रखता। Yes, only family friendly content, because यमराज ने देख लिया तो फिर लाले लग जाएंगे। ये कोलैब कब हुआ भाई? अच्छा, लिखा क्या है, 2 सिंगल होने का नाटक करके लड़की के साथ बात करता हुआ पकड़ा गया। ये भाई, ये क्या मुझे ट्रिगर करना चाह रहे हैं क्या आज के मीम्स? हैं, मतलब एक से तेरा मन नहीं भरा, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए भी। हैं दोस्त, कुछ तो छोड़ दे हमारे लिए भी। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों से डील करना होता है। बिल्कुल सही। काश लॉकडाउन में अपना YouTube चैनल खोल लिया होता तो आज ऐसे नल्ला नहीं घूम रहा होता। ये मेरे को एक बात बताओ, ये सारे मीम्स क्या जितने भी बनते हैं सब मुझे टारगेट करने के लिए बनते हैं क्या? है ये जितने भी मीम्स है सब मुझे ही टारगेट करने के लिए क्यों बनते हैं? मुझे ऐसा लगता है। सर, व्हाई आर यू स्माइलिंग मी? नथिंग। देखो, ये सब तो नहीं, कोई और होता है, बट ठीक है चलो चलता है। अरे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। लेकिन अब मैं बताऊंगा नहीं वो कोई कौन होता है। चीटिंग करता है तू। गर्ल्स 1 वीक आफ्टर ब्रेकअप। लोग पीते हैं। छी 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 छी। यार देखो, पुनीत भाई के लिए पूरी रिस्पेक्ट है, बट पुनीत भाई ये नाली वाली में मत जाया करो यार, अच्छा नहीं लगता। बाकी आपको अपने ऊपर पेंट डालना है, पेंट डालो, जो डालना है वो डालो, ये नाली वाली में मत जाया। टाइटैनिक सीन्स अंडर वाटर, जैक सबमरीन पैसेंजर्स। हाँ यार, मतलब क्या फायदा हुआ इतना सब सबमरीन करके खर्चा करके जाने का, जब नौका तो डूब, मतलब लिटरली ऊपर आ ही नहीं पाए। क्या फायदा हुआ इतनी महंगी सबमरीन का? क्या मैं मेंटली और फिजिकली और इमोशनली थक गया हूँ। क्यों क्यों ये सारे मीम्स मेरे को इतना टारगेट कर रहे हैं भाई? नहीं नहीं होता मुझसे, और बस करो कुछ फनी लगाओ। एटीओ मी सेइंग गुड बाय टू द रैंडम किड आई मेट इन द वेडिंग। आज के सारे मीम्स मुझे रुलाने के लिए आए हैं। लगता है ये मीम वालों ने ना मेरा नो लाफ चैलेंज कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। कहते हैं लाफ छोड़ हम तेरे को क्राई करवाएंगे आज। वेनिस इटली, ये वेनिस इटली ऐसा मुंबई में कब से आ गया गाइस? गर्ल्स व्हेन आई पोस्टेड टेलर स्विफ्ट सॉन्ग ऑन माय स्टोरी। Popcorns in a cooker when I turn on the stove. Okay, guys, literally मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टमाटर ने ना डीजल पेट्रोल सबको सबकी औकात दिखा दी। 125 रुपए केजी आई है, सभी चल रहा है, अभी और बढ़ेगा वो मेरे को पता नहीं। पानी पिला दिया है, है। तुम्हें पानी पीना है, पी लिया पानी। अरे यार गाइस, वो दीदी को तो छोड़ दो। अभी मैंने बीच में एक और मीम देखा था, वो लेस पता नहीं कुछ GTA के कैरेक्टर्स थे, उसमें ये पानी 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 कर रखा है। ये बीमारी दूसरी पर्सनैलिटी की सोच है, 1 and 2 पर्सनैलिटी टकरा into each other, become 3rd पर्सनैलिटी, जो कि 4थी पर्सनैलिटी बनाएगी, वो है सुसाइडल पर्सनैलिटी। आपको सुसाइड करने का दिल करेगा मामा जी। गाइस मुझे भी लगता है मुझे सुसाइड करने का दिल करता है। अरे यार ये सारे मीम्स ऐसे क्यों आ रहे हैं? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे नो लाफ चैलेंज करना था, ये नो क्राई चैलेंज में क्यों बदल गया? ब्रो थिंक्स ही इज एन इंडियन सीरियल। ये मैंने देखा है फुटबॉल में, ये इतना ज्यादा होता है ना, मतलब ये जो फालतू का ये जो रोलिंग 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 होती है ना फुटबॉल में, लिटरली मतलब इनको कुछ लगेगी भी नहीं, ये फिर भी ऐसा ठप 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 करके घूम फिर के पता नहीं खुद को ही चोट मार लेंगे ये यहाँ से। ओह ईशान अली भाई, ईशान अली भाई, अरे 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 अरे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर लॉर्ड पुनीत को कोई टक्कर दे सकता है ना तो ये आदमी है। दे दे स्कूल में मोहब्बत की शुरुआत यहीं से होती है, और कॉपी के पीछे आई लव यू लिख देना। ये लीजिए, थैंक यू, ये रही आपकी कॉपी। अगर भाई वो तुझसे प्यार करती है तो पलट कर देखेगी। सल्लू भाई भी लाइक, जल्दी वहाँ से हटो। ओ भाई भाई मेरा नाम, मेरा सर दुख रहा है ये मीम सुन सुन के। ये लास्ट में क्या था? तुम्हें पानी पीना है। ये व्हाट इज दिस? ओके दिस मीम गॉट मी, दिस मीम गॉट मी। चलो नेक्स्ट मीम। ब्रो थिंक्स ही इज अक्षय कुमार। यार ये पता नहीं ये हॉलीवुड वाले ना बॉलीवुड की कॉपी करना कब बंद करेंगे। छी, कोई मतलब ओरिजिनलिटी नहीं है हॉलीवुड में। एक ग्रुप चैट एट 3 AM। किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं। हाँ। तब तनाव की शुरुआत। ओके। लेकिन आप डिटैच रहते हैं और एक कर्तव्य भाव से काम करते हैं, तो तनाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। नहीं होता ऐसा नहीं, कम हो जाती है, और इसलिए कोशिश करनी चाहिए डिटैचमेंट कैसे आए। बड़ा कठिन काम है लेकिन, और वो आपको संतुलित रखता। ही इज नॉट मोदी जी, ही इज टॉप जी। ओ भाई ये मीम्स फनी की जगह सैड क्यों है? इट रियली हार्ड व्हेन सलमान खान सेड यस। It hit really hard when Salman भाई drove. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। Bollywood casually dropped this racist banger. ये एक्चुअली पता है ये पहले बहुत होता था, ये लिटरली लाइक पहले लोग इतने ज्यादा कहते ना वोकनेस नहीं थी, तो कुछ भी ऐसा जोक मार देते थे, लाइक जेंडर जोक्स इतने सारे हैं बॉलीवुड में, लिटरली लाइक पहले की तुम अगर पिक्चरें देखो ये बहुत है। लाइक मैं किसी पिक्चर को ये नहीं कह रहा बुरी है, आई एम जस्ट सेइंग कि ये जोक्स बहुत थे, क्योंकि उस टाइम कहता ना इतनी वोकनेस नहीं थी और इन सब चीज़ों को मतलब जो आज गलत है उस टाइम पे वो चीज़ें सही होती थी, सो मे बी दैट्स व्हाई, बट यस ये बहुत होता था पहले की बॉलीवुड मूवीज में। एंड यू बेबी डोंट हर्ट मी, डोंट हर्ट मी नो मोर, he don't hurt me. As I said guys, he is not Modi ji, he is top ji. अरे यार छोड़ दो मोदी जी को, छोड़ दो भाई मोदी जी को, मोदी जी इतने अच्छे, छोड़ो ना यार क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो नहीं, मैं वैसे ही मैं पॉलिटिकल मीम्स पे हंसना नहीं चाहता। नहीं नो मोदी जी मीम्स ना, बहुत हो गया। आयरन मैन सेविंग अर्थ फ्रॉम एलियंस बाय सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ, भीम सेविंग द अर्थ बाय विनिंग अ क्रिकेट मैच। भाई तुम सोच रहे तुम किसको किससे कंपेयर करो, छोटा भीम है वो, ठीक है छोटा भीम भाई साहब। Hey Big Boss, look under there. ना 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 ना, ये गलत है, ये गलत है। बिग बॉस ने पुनीत भाई को एलिमिनेट नहीं किया, पुनीत भाई ने बिग बॉस को एलिमिनेट कर दिया। भाई तुम सोच रहे हो आपकी रेटिंग डाउन चली, शो की टीआरपी छोड़ो आपकी रेटिंग डाउन चली गई है। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का मीम रिव्यू। आई रियली होप तुम गाइस को बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आयो, एंड येस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एडियोस।